नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए घर बचाने की चुनौती, त्रिपुरा में वापसी आसान नहीं, नागालैंड मेघालय में कद बढ़ाने का टारगेट। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन, पठानकोट में जनसभा करेंगे राहुल गांधी, शाम को जम्मू कश्मीर रवाना होंगे। हिमाचल बारिश बर्फबारी के लिए तैयार, 7 जिलों में भारी हिमपात का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बरसेंगे बादल। तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिजकम पर दी सफाई, बोले मैंने राज्य का नाम बदलने की बात नहीं कही। ममता ने हिमंत बिस्वा सरमा पर बोली हमला, बोली मेघालय को दिल्ली और गुवाहाटी से कंट्रोल कर रही है प्रॉक्सी सरकार। फर्जी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 केसों का रिकॉर्ड मांगा, अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता मिथुन चक्रवर्ती ने फिर किया बड़ा दावा, बोले टीएमसी के 21 से ज्यादा नेता मेरे संपर्क में। मोहाली में एसजीपीसी प्रधान की गाड़ी तोड़ी, सिख कैदियों की रिहाई के मोर्चे पर पहुंचे थे धामी प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर। बीजू पटनायक का पसंदीदा डकोटा प्लेन भुवनेश्वर पहुंचा, 3 ट्रकों के जरिए कोलकाता से लाया गया, देखने के लिए जुटी भीड़। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले जिनका चरित्र भारत जोड़ो का है वो निकाल रहे हैं जोड़ो यात्रा। अखिलेश और केजरीवाल की मौजूदगी में केसीआर ने किए बड़े ऐलान, बोले अग्निपथ योजना हटाएंगे, किसानों को देंगे फ्री बिजली। राहुल गांधी के बचाव में उतरे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, बोले पप्पू नहीं स्मार्ट है राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा भ्रष्टाचार और ठेके पर है केजरीवाल सरकार। राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल की पावर बढ़ाई, 2 नए अधिकार दिए, अब दिल्ली के एलजी सक्सेना और मजबूत हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह से की मुलाकात, बोले अगले 3-4 महीने में चारधाम यात्रा शुरू होगी। बीजेपी अध्यक्ष गाजीपुर से मिशन 2024 का बिगुल फूकेंगे, पिछले चुनाव में हारी गाजीपुर सीट पूर्वांचल में सबसे अहम बनी। आगरा स्टेशन पर लंगूर के कटआउट लगाए, बंदरों को भगाने के रेलवे की पहल, लंगूरों की आवाज भी साउंड में गूंजेगी। मौसी को डंडे से पीटा, बीमार बहन को देखने पहुंची थी, धक्का देकर घर से बाहर निकाला, बोला आज मार डालेंगे। चाकू से गोदकर छात्र की हत्या, मेरठ में बीच सड़क पर स्टूडेंट ने दौड़ा दौड़ा कर मार दिया, चाकू अफेयर में हुआ था झगड़ा। मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगी सुपीरियर क्लास की सुविधा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश को किया रद्द।
झांसी में स्कूल के कर्मचारी ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा दो महिला और युवक ने टॉर्चर किया। वाराणसी में साड़ी कारोबारी का मर्डर, हनी ट्रैप से फंसाया फिर किडनैप किया, 20 लाख फिरौती मांगी। हापुड़ में कार तालाब में गिरी, चार की मौत, बंद होंडा सिटी में मिले शव, देर रात हुआ हादसा, लोगों को जानकारी सुबह हुई। भदोही में गोली मारकर किशोरी की हत्या, खेत में शौच करने गई थी, अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, दो की हालत गंभीर, बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा, कार में चार लोग सवार थे। मेरठ में सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी से किया रेप, शिकायत लेकर एसपी दफ्तर पहुंची पीड़िता, मुकदमे का आदेश। लखीमपुर में किसानों का प्रदर्शन, क्रमिक अनशन पर बैठे किसान बोले बकाया एक एक पैसा न मिले तक जारी रहेगा धरना। सीतापुर में कोहरे के चलते खाई में पलटी कार, कार सवार आठ लोग घायल, पांच की हालत गंभीर, पीलीभीत से आ रहे थे सभी। बांके बिहारी कॉरिडोर का नहीं थम रहा है विरोध, स्थानीय लोगों ने किया विद्युत सिद्धू हवन। बागपत में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन, बोले गेहूं की फसल को कर रहे हैं बर्बाद। फिरोजाबाद में सहकार भारती का स्थापना दिवस, डीएम बोले स्वरोजगार के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रही संस्था। हिंदुओं को भ्रमित करने वाले विहिप को चेतावनी, प्रयागराज में संगठन मंत्री बोले माघ मेला हिंदू संस्कृति की एकता का प्रतीक है। फिरोजाबाद में प्रधान संघ ने किया प्रदर्शन, 22 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधित ज्ञापन वीडियो को सौंपा। मेरठ में आरोपी बेटे को थाने लेकर पहुंचा पिता, कार्तिक हत्याकांड में शामिल बेटे को पिता ने पुलिस को सौंपा। फतेहपुर में किसान की करंट से मौत, पुलिस बोली मौत की वजह संदिग्ध, ट्यूब मेल में काम करते समय हुआ था हादसा। गाजियाबाद में रोटी पर थूकने वाला तसरुद्दीन गिरफ्तार, हिंदू रक्षा दल ने बताया धर्म भ्रष्ट करने वाला काम। शाहजहांपुर में 40 कबूतर मरे, पड़ोसी पर दाने में जहर देकर मारने का आरोप, बिल्ली गायब होने पर हुआ था विवाद। आगरा में G20 मैराथन शामिल हुए हजारों लोग, राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले गुंडे माफियाओं को राजस्थान सरकार दे रही संरक्षण। मेरठ में महिला क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार, यूपीएससी की प्रभारी ने पूर्व सैनिक को सर्टिफिकेट देने के लिए 10,000 रुपए मांगे थे। सिद्धार्थनगर में तीन शातिर चोर गिरफ्तार, पुलिस ने चोर की बैटरियां और आल्टो कार की बरामद की, सीओनी टीम को किया पुरस्कृत। चंदौली में डीएम व एसपी ने पश्चिम वाहिनी बलुआ घाट का किया निरीक्षण, मौनी अमावस्या पर्व को लेकर घाटों का किया गया निरीक्षण।
कानपुर के घाटमपुर में खड़ी मारुति वैन में लगी आग, आग की लपटों से गांव में मचा हड़कंप, आग से कोई जनहानि नहीं हुई। मेरठ में सॉल्वर गैंग की सूचना पर एसटीएफ ने की बड़ी कार्यवाही, एक शातिर को किया गिरफ्तार। कानपुर के थाना अनवरगंज पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने चोरी के ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दो को दबोचा। यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मांग को बोर्ड ने किया खारिज। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले सीएम थामी जोशीमठ को लेकर मांगी मदद, अमित शाह ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। उत्तराखंड के रुड़की सिविल अस्पताल से विचाराधीन बंदी फरार हरिद्वार की जेल से ऑपरेशन के लिए किया गया था रेफर। जोशीमठ आपदा से में सेना के हेलीपैड से 200 मीटर नीचे बढ़ा रहा भूधसाव का दायरा, झुकने के कारण खाली कराया गया 3 मंजिला भवन। उत्तराखंड में बढ़ सकती है ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार, अगले कुछ दिन मैदानों में रह सकता मौसम सुस्त। उत्तराखंड के रुड़की में दो नाबालिग बहनों का अपहरण कर मसूरी के होटल में दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस परेड में सजे के उत्तराखंड की झांकी, मानस खंड सीएम धामी ने किया निरीक्षण। पुलिस चौकी के पीछे नाले में मिले महिला के शव की हुई शिनाख्त, हत्या का जांच दर्ज की गई। आदमखोर बाघिन को वन विभाग ने किया पिंजरे में कैद, अब तक 3 लोगों को बना चुकी है निवाला। हजार करोड़ से अधिक हो सकता है जोशीमठ का राहत पैकेज, सोमवार तक केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई धामी सरकार। उत्तराखंड में सस्ता होगा लोगों का घर बनाना, खनन सामग्री की दरें हुई कम, शासन के जारी आदेश की। उत्तराखंड में महिला कर्मियों को बड़ी राहत, प्रसूति व बाल देखभाल अवकाश की गणना में एमपीएसीपीएम में होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता के बेटे समेत 6 पर गैंगस्टर की कार्रवाई, जमीनों की धोखाधड़ी से बेचने का आरोप। उद्योगपति विडलांस के घर समेत 20 जगहों पर सीबीआई के छापे, धोखाधड़ी के मामले में 4 मुकदमे दर्ज। उत्तराखंड में पदयात्रा के बहाने चुनावी माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस, 26 से शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। उत्तरकाशी में नौगांव के पशु चिकित्सा अधिकारी गिरफ्तार, विजिलेंस ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। तिब्बत में एवलांच, 8 की मौत, 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, चीन ने रातों रात 131 लोगों की टीम भेजी। पत्नी का सिर काटने पर केवल 8 साल की सजा, ईरान की सड़कों पर सिर लेकर घूमा था लड़की के घर वालों ने ही माफ कर दिया।
सूखे के चलते बंद हो गई अमेठी कस्बे की पानी सप्लाई, अब टॉयलेट साफ करने के लिए भी बारिश के पानी पर निर्भर। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जोब का भारत में निधन, राष्ट्रपति एडमा बैरो ने बुधवार को ट्वीट कर दी जानकारी। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, बोले रूस को युद्ध शुरू करने में कुछ सेकंड लगे, प्रतिबंध में लगाने में कई दिन। न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अगले महीने इस्तीफा देंगी, बोली वक्त आ गया है, इतनी हिम्मत नहीं कि 4 साल और नेतृत्व करूं। पुतिन बोले जंग में जीत हमारी होगी, नाटो ने यूक्रेन को हथियार देने का वादा किया, जेलेंस्की ने जिनपिंग को लिखा पत्र। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को सतारी गांव में संक्रमण फैलने की चिंता, बोले इसे को रोकना कठिन चुनौती होगी। यूक्रेन की राजधानी क्यू में हेलीकॉप्टर क्रैश, होम मिनिस्टर समेत 18 की मौत, दावा यूक्रेनी फोर्स ने ही मार गिराया चौपर। पाक में यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को पढ़नी होगी कुरान, तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के संसद में प्रस्ताव पास। मस्क ने लॉन्च किया ट्विटर ब्लू का एनुअल प्लान, $84 में साल भर से मिलेगा सब्सक्रिप्शन, $22 की होगी बचत। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल को बताया समझदार आदमी, बोले पप्पू नहीं राहुल गांधी। सीतारमण पर बोले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बयान, बोले वे बेहद कठिन काम संभाल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट में सबसे बड़ी छटनी, टेक कंपनियों ने 6 दिन में 30,611 कर्मचारियों को निकाला। यूएसटीडीए के निदेशक बोली हम भारत में 200 परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, इनमें से $37 अरब का निवेश संभव। लिंक्डइन ने अपनी रिपोर्ट में किया खुलासा, 2023 में हर 5-4 पेशेवर नई जॉब तलाश रहा है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों को 2023 में वैश्विक बंद की आशंका, यूरोप में 57% तक पहुंच सकती है महंगाई दर। बजट से पहले बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक, प्रमुख सरकारी योजनाओं की होगी समीक्षा। कंपनियों के निवेश प्लान में बढ़ी साइबर सुरक्षा, अगले 2 साल होंगे विनाशकारी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चीन की खुलती अर्थव्यवस्था, कच्चे तेल से लेकर औद्योगिक जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार। WWE रेसलर की तरह नजर आए रोबिन उथप्पा, दुबई के IIT20 लीग में मिला ग्रीन बेल्ट। मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी, दम पर तोड़ा बुमराह का रिकॉर्ड, बेस्ट बॉलिंग एवरेज में टॉप पर पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला ने सभी प्रारूपों को कहा अलविदा, अमला ने इंटरनेशनल को 2019 में ही कहा था अलविदा।
माइकल ब्रेसवेल की तूफानी पारी के बावजूद हारी कीवी टीम। डेथ ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने पलटा मैच। शुभमन गिल ने 19वीं पारी में 1100 वनडे रचा बना इतिहास। दोहरे शतक को हटा दो। ईशान किशन ने 10 मैच में बनाए 272 रन। रेसलिंग फेडरेशन अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप। महिला पहलवान बोली, ये कई सालों से चला आ रहा है। चंदा जुटाकर वर्ल्ड कप खेलने आई वेल्स टीम। कोई साइंटिस्ट तो कोई टीचर पार्ट टाइम हॉकी खेलकर पहली बार वर्ल्ड कप पहुंचे। न्यूजीलैंड से 4 साल बाद जीता भारत। पहले वनडे में 12 रन से हराए। सीरीज में 1-0 की बढ़त। शुभमन गिल ने बनाए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। तेंदुलकर, ईशान और फखर जमान को पीछे छोड़ा। रोहित बने भारत में सिक्सर किंग। पाक में नाइट टूर्नामेंट के जरिए बढ़ रहा है महिला क्रिकेट। 2016 में पहली बार हुआ था टूर्नामेंट। इस साल 5 टूर्नामेंट होंगे। जैकलिन फर्नांडीज ने शुकेश के खिलाफ कोर्ट में दिया बयान। बोली, शुकेश ने मुझे गुमराह किया। रणबीर आलिया कैलेंडर लॉन्च इवेंट में हुई शामिल। आलिया ने पेपरोजी के सामने गाया ब्रह्मास्त्र का केसरिया सॉन्ग। मिसकैरेज की खबरों के बीच बुरखे में दिखी राखी सावंत। मीडिया से बोली, मैं प्रेग्नेंट थी लेकिन सबको मेरी बात मजाक लगी थी। फैंस ने अलग अंदाज में किया पठान का प्रमोशन। देश के 35 शहरों में लगाए 15,000 पोस्टर। लाउड स्पीकर के जरिए करेंगे प्रचार। ओटीटी पर स्ट्रीम होगी हंसिका सोहेल की वेडिंग। पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। शो का नाम होगा लव शादी ड्रामा। तेईस जनवरी को होगी आत्या केएल राहुल की शादी। 17 साल पुराने खंडाला वाले बंगले में होंगे वेडिंग फंक्शंस। फैंस के बीच घिरी नजर आए कार्तिक आर्यन। संजय दत्त, रश्मिका मंदाना समेत मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए कई सेलेब्स। शादी से पहले सैलून के बाहर दिखी आत्या शेट्टी। चेहरे पर दिखा वेडिंग ग्लो। ग्रीन ड्रेस में दिखी गॉर्जियस। डॉन 2 की शूटिंग के वक्त ओवर एक्टिंग कर रहे थे शाहरुख। पाकिस्तानी एक्टर ने कहा, 90 के दशक की एक्टिंग कर रहे थे शाहरुख। जानवी कपूर पर अभी से चढ़ा होली फीवर। शूटिंग के सेट पर फूलों से खेली होली। बोली, मार्च का इंतजार नहीं कर सकती। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच, साहस, सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सब